नमस्ते एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, करेक्ट? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, इट्स अक्टूबर, अब आगे की आपको तैयारी करनी है। सो वेल, दिस वीडियो इज़ फॉर द एस्पिरेंट्स जो कि अभी कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, जो कि जनवरी या फिर उसके बाद के इनटेक्स के लिए रेडी होना चाहते हैं। ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, ताकि कुछ ऐसी गलतियां या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स वो एक्युमुलेट कर सकें जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर वन, इस सिलेबस, अगर आपने किसी भी टॉपर की वीडियो देखी होगी, दे विल ऑलवेज से गो थॉरली थ्रू द सिलेबस, करेक्ट? अगर आपने सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? दिस इज GS2 पेपर। इसके अंदर आपने देखे कि पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को उन पॉइंट्स के हिसाब से लेकर के चलना है। थिंक ऑफ दिस पॉइंट एज अ सेपरेट टॉपिक। आपने उस पॉइंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, वे फॉरवर्ड, अभी क्या चल रहा है, कैसे काम होना चाहिए, सारा आपको पता होना चाहिए। पर क्या होता है ना कि सिलेबस सिलेबस अगर कोई न्यू बंदा देख रहा है, तो वो थोड़ा चक्कर खा जाता है कि भाई इसमें करना क्या है, कैसे करना है, ये है वो है। उसके लिए आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो आता है PYQs। अब सिलेबस को पढ़ना कैसे है वो इस पॉइंट में आपको समझ में आएगा। अब PYQs के लिए देर आर टू थिंग्स। एक तो क्या करते हैं बच्चे, सपोज 2018, 19, 20, 21 ऐसे उठा लेते हैं अपने पेपर्स। अभी 22 का पेपर हुआ तो चलो उठा के देख लेते हैं कि भाई कैसे होता है। उस तरीके से आपको नहीं करना। वट यू हैव टू डू इज कि आपने पुराने PYQs को माइक्रो सेग्रीगेटेड फॉर्म में निकालना है, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन में निकालना है। उसके लिए ये पवनीत सिंह सर की एक बुक है, ये होगी आपकी प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आपको मिल जाएगा कि ओनली IAS का मटेरियल, मतलब मार्केट में बहुत मटेरियल है कि आपको सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे देगा। अब जब आप उन क्वेश्चन को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं हिस्ट्री का, उसमें क्या होगा कि आपको सपोज मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देख लिया, अच्छा यहाँ पे 1857 रिवॉल्ट है, यहाँ पे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, यहाँ पे आपका INC से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा अच्छा ये टॉपिक है, हमने इस तरीके से पढ़ना है। तब वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। इससे कम से कम ये पता चल जाएगा क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस को समझने में आसानी होने वाली है। थर्ड थिंग इज NCERTs। हर एक बंदा कहता है NCERT करनी है। बहुत कुछ लोग वो भी होते हैं जो कहते हैं यार कोचिंग सारा कवर करा देती है, NCERT ना करो। पर आपके कोचिंग के टीचर्स भी आपको बोलेंगे NCERT कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप कोचिंग से पहले ही NCERT को पढ़ लो। अगर आप पढ़ लोगे तो बेनिफिट रहेगा, बट ऐसा मत करना यार कि छठी से NCERTs उठा लिए और सारी की सारी NCERT पहले जा रहे हैं, गलत चीज़ है। फिर गलत अप्रोच आ रही है आप लोगों की। आपने कुछ बेसिक NCERTs चेक करनी है बुक लिस्ट के हिसाब से। पॉलिटी की आप देख सकते हो, 12th की बायो की देख सकते हो, ज्योग्राफी आप +1 +2 देख सकते हो, GC Leong भी कई बच्चे पढ़ते हैं, मॉडर्न के लिए 12th की NCERT देख सकते हो आप, ओल्ड बिपिन चंद्रा सर, एंशियंट के लिए 6th और उसके आगे वाली देख सकते हो, मिडिवल अगर करना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। हाँ, पर अगर आपको ये लग रहा है कि सपोज 11th की मैंने पॉलिटी उठा ली पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप एक स्टेप बैक चले जाओ, गो फॉर 10th। इस तरीके से आपने आगे का काम करना है। कोई ऐसे बहुत भाग दौड़ नहीं करनी कि नहीं भाई सारी चख लो सारी चख लो। लिमिटेड सोर्सेज रखोगे तो बेस्ट रहेगा आपका। ये गलती मैं कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मटेरियल 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 ऐसा इकट्ठा करने की लोड नहीं है। जो बेसिक चीज़ें आपको टीचर्स आपके कहेंगे, जो बेसिक चीज़ें आपने हमेशा सुनी है, सिर्फ वो ही उसी पे फोकस करना। देन ये एक बहुत थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट आई वुड लाइक टू कवर इट, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं यार जो कमी जब खलती है तो पता चलता है। यू शुड हैव अ प्लान बी। प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे IAS कर रहे हो तो साइड में आप पकड़ लिया आपने कैट का पेपर पकड़ लिया, ये कोई प्लान बी नहीं है। आपका प्लान भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कर सको। आप ऐसे एग्जाम्स भी दे सकते हो, अगर गवर्नमेंट ही फोकस है तो आप ऐसे एग्जाम्स दो ना जिसका सिलेबस थोड़ा ओवरलैप कर रहा हो, बिल्कुल भी उल्टा कोई सिलेबस हो वो भी नहीं होगा ना। तो आपने इस तरीके से, तो UPSC में बहुत कुछ कवर होता है, पर मैं उस सोच में नहीं आता कि UPSC कर लिया तो सारे पेपर का कर लिया। देखो हर पेपर की ना डिमांड थोड़ी अलग होती है, सिलेबस सेम भी हो ना तो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, आपको उसको टाइम देना होगा, बट हाँ आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्लान बी में कुछ ऐसी चीज़ें रखो। कोई मास्टर्स भी करना चाहता है कर सकते हो, पर आपको पहले एक बार प्रिपेयर हो जाओ यार आपको, क्योंकि मिनिमम 6 to 8 hours, 6 घंटे तो देने ही देने। कोई जितना मर्जी कह ले भाई 3 घंटे में कर लिया, 4 घंटे में कर लिया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 hours देने होंगे अपने इस एग्ज़ाम के लिए। इसी एग्ज़ाम की बात से, इसी सिटिंग की बात से अगला पॉइंट आता है, हैबिट ऑफ सिटिंग। कोचिंग से पहले यू शुड हैव द हैबिट ऑफ सिटिंग यार। आप उस टाइम को ऐसे कंज्यूम करो कि आपने एक एक घंटे का 1.5 घंटे के स्लॉट्स बना लिए,
जितना आपकी कैपेसिटी हो रही है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आप अपना एनसीईआरटी पढ़ लो, आप कोई नॉवल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पर आपने ये देखना है कि आप एक ही चेयर पे कितनी देर बैठ रहे हो। आप ट्राई करना कोचिंग से पहले कम से कम दिन का 4-5 घंटे की आपकी सिटिंग बन जाए, ये बाद में बहुत बेनिफिट करेगी आपको, ठीक है जी। देन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसको पढ़ने का क्या तरीका होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि आपको 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं एक पेपर को कंप्लीट करने में, कोई दिक्कत नहीं है कर लो, पर ये फेज आपका कोचिंग में लगने के बाद आए, इससे बेटर है आप उससे पहले कंप्लीट कर लो इस फेज को। एक हैक बता देता हूँ आपको, प्रॉपर वीडियो एक न्यूज़पेपर पर मैं ज़रूर लेके आऊँगा कि कैसे पढ़ना है, पर एक हैक सुन लो आप। हैक में ये होगा कि कुछ जो रिप्यूटेड आपके IAS की कोचिंग वाले होते हैं वो टेलीग्राम पे ना इस तरीके का कुछ डाल देते हैं, जिसमें होता है कि आज इस न्यूज़पेपर के ये टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, उन टॉपिक्स को पढ़ो ब्रीफली, बाकी टॉपिक्स को ऊपर से गो थ्रू कर लो, क्योंकि इंटरव्यू का तो कुछ नहीं पता कब बंदा क्या पूछ ले। तो वही चीज़ है कि आपने उस तरीके से उसको पढ़ना जरूर है। देन आई होप सारे के सारे अपना प्री मेंस क्लियर करके इंटरव्यू पे पहुंचे। मेरे लिए भी ये चीज़ वैलिड है कि मैं भी जल्दी पहुंचूं। उसमें ना डैफ फॉर्म आता है, सबको पता होगा, डैफ फॉर्म में हॉबी भी आप भरते हो। अब हमारे टीचर्स ने बताया कि यार हॉबी के टाइम पे ना बच्चे आ जाते हैं कि सर हम हॉबी क्या भरें, यार ये कोई क्वेश्चन है टीचर से पूछने वाला, ये तो खुद को पता होना चाहिए ना। अगर तो आपकी खुद की हॉबी है तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करना शुरू कर दो ताकि आखिरी में दिक्कत ना आए। नहीं है तो अपने आप को जानना शुरू करो कि मेरी हॉबी क्या हो सकती है, मैं किस चीज़ में मेरा माइंड अच्छा जाता है, मैं देख सकता हूँ, अपनी हॉबी क्रिएट कर लो, जितनी जल्दी होगी उतना ज़्यादा बेटर होने वाला है। उसके बाद ना GS करेक्ट प्रीलिम्स में, लेकिन दो चीज़ें आती हैं साइड में, क्या आता है CSAT। बच्चों में डर है CSAT का, खौफ है, खौफ डरती हुई जाती है CSAT के टाइम पे। आपने ये चीज़ देखनी है कि CSAT की आपकी प्रिपरेशन के लिए बेसिक मैथ स्टिल 10th बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चों के प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज इन चीज़ों में भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए आप 6th की NCERT की थियरी पढ़ना शुरू करो, यू विल गेट टू रूम। अगर 6th नहीं आ रही तो 5th, 5th नहीं तो 4th, लेकिन ये चीज़ कवर कर लेना, नहीं तो कोई ट्यूशन लग जाना जो कि आपको 2-3, 1-2 महीने में सब ये यार बेसिक चीज़ें समझा देंगे। वो समझना चाहिए, CSAT में समझना जरूरी है, सिर्फ ट्रिक्स नहीं चलेंगी। और अगर आपको हवा है CSAT का कि यार ये है क्या चीज़, बिना कोई तैयारी के ना CSAT के पेपर उठा लो 4, सॉल्व करने लग जाओ टाइमर के साथ कि मैं पास हो रहा हूँ फेल हो रहा हूँ, कितने से फेल हो रहा हूँ कितने से पास हो रहा हूँ, उस चीज़ को इवेल्यूएट करो और अपना डर ख़त्म करो पहले। कई बंदे तो पेपर ही नहीं देखते, कहा नहीं यार CSAT है, मैथ ही नहीं आता, यही नहीं आता वो। अरे देखो तो सही, सॉल्व करो पहले, आपको पता तो चलेगा कहाँ खराबी आ रही है। हर एक टॉपिक में 0 तो नहीं हो सकता, कोई इंग्लिश पकड़ लिया, कोई रीजनिंग पकड़ लिया, कोई मैथ, कुछ तो पकड़ोगे यार। आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, 33% उठाने हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, हमने कोई टॉपर नहीं बनना। उस इसके बाद जो पॉइंट है वो है फिजिकल फिटनेस का। वो क्या कहते हैं, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ऐसे ही नहीं कहा गया। जब आपकी बॉडी सही होगी ना, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि बॉडी मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल, आपका पेट खराब ना हो, आपकी तबीयत बिल्कुल सही रहे, ताकि आपकी पढ़ाई पे कोई दिक्कत ना आए। इन सब चीज़ों के लिए ना यार यू शुड डू अ बिट ऑफ फिजिकल वर्कआउट एज वेल। व्हाट आई सजेस्ट इज जिम वगैरह चाहो तो जा सकते हो, भाई मैं जाता था, मेरा खुद की हॉबी है मेरा जिम जाना, कुछ वर्कआउट करना। बट जो ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, आई विल गो विद जॉगिंग, आप लोग जॉगिंग करना, वॉक गुड, वॉक से स्टार्ट करो बट जॉगिंग तक चले जाओ। मेडिटेशन इज अनदर थिंग, योगा इज अनदर थिंग, आप ये चीज़ें कर सकते हो, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी मेंटल वेलनेस में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है बॉडी जब आप वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस देते हो। एंड आई कैन एश्योर यू ऑल, अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम करा, आप उन बच्चों से आगे होगे गारंटीड, जो बंदे डायरेक्टली कोचिंग में जाके ये सोच रहे हैं कि नहीं यार अब हम आगे का काम कैसे करना है ये देखेंगे। आप खुद देखोगे, आपने ये चीज़ें जो पहले 2-3 महीने में दिक्कत देती है ना, ये सारी तो पार ही कर ली है आपने अभी तक, कि यार सिटिंग की दिक्कत मेरे को नहीं आ रही, न्यूज़पेपर की दिक्कत मेरे को नहीं आ रही, मेरी फिजिक बिल्कुल ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली आई एम गुड लुकिंग, अंदर से बॉडी पूरी की पूरी फिट है, NCERTs मैंने कवर कर लिया, तो बेसिक्स में मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। यार ये चीज़ें आप देखोगे तो बहुत बेनिफिट देने वाली हैं आपको, कि नहीं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर पसंद आती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, नमस्ते।